हेलो एवरीवन, मनोज दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का अपना वीडियो का टाइटल है हाउ टू लर्न श्रिम्प फ्लिप। तो आज अपन श्रिम्प फ्लिप सीखते हैं, देखते हैं कैसे होती है। तो श्रिम्प फ्लिप करने के लिए 4 स्टेप्स मैं बताऊंगा। पहला स्टेप है स्किन द कैट एंड सेकेंड स्टेप है स्विंग एंड थर्ड स्टेप है किक ऑन द एयर। मतलब आपको तीसरे स्टेप में हवा में अपने पैरों को किक करना है राइट पोजिशन पर एंड फोर्थ स्टेप है ग्रैब द बार। चलिए एक एक करके सीखते हैं। तो पहला स्टेप है स्किन द कैट, देखते हैं कैसे होता है। इसे बोलते हैं स्किन द कैट। दोबारा कर देता हूँ आपको, इसमें आपके पैर बार पे टच नहीं होने चाहिए, ऐसे अगर एक टच हो गए तो मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा स्किन द कैट पे। ये आपके विदाउट टच आना चाहिए ऐसे 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 आपके स्किन द कैट आना चाहिए। सेकंड स्टेप है स्विंग एंड स्विंग में सिंपल आपको अपने पैरों को आगे फेंकना है कुछ इस तरीके से, ऐसे अपने पैरों को आगे फेंकना है सिंपल। सेकंड स्टेप स्विंग। तो तीसरे स्टेप पे जाने से पहले आपको फर्स्ट स्टेप स्किन द कैट एंड सेकंड स्टेप स्विंग, इन दोनों को यूज़ करते हुए स्विंग स्किन द कैट करना होगा। मतलब पहले आपको स्विंग लेना है फिर स्किन द कैट करना है, देखते हैं कुछ इस तरीके से करना होगा। आपको स्विंग लेना है, लिटिल बिट स्विंग ले, ज़्यादा ना ले एंड स्किन द कैट सिंपल। दोबारा कर देता हूँ ये चीज स्विंग स्किन द कैट की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। एंड अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो तीसरा स्टेप क्या था, किक ऑन द एयर। हवा में आपको किस पोजीशन पे पैर फेंकना है ध्यान से देखना। कुछ इस तरीके से आपको किक करना है हवा में एंड इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, एक और टिप मैं आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे ही आप स्विंग लेंगे, जैसे ही आपने स्विंग लेके टक किया मतलब स्किन द कैट वाली पोजीशन में आए, तो आपको हल्का सा वेट करना है, लाइक 1 सेकंड का वेट करना है आपको। मतलब कि आपके जो पैर हैं वो बार से इधर आ जाएँ, मतलब कि यहाँ पर बार है अगर तो अपने पैर यहाँ पे होंगे, उसका वेट करिए यहाँ पे आने पे, तब आपको किक करना है ऊपर। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अभी चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप ग्रैब ऑन द बार। ग्रैब करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा अपने हैंड्स की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। आपकी जो हैंड्स है वो ऐसे आएंगे, मतलब आप स्किन द कैट जब फेंकोगे ऊपर तो आपके हैंड्स ऐसे आ जाएंगे। आपको बार को ऐसे ग्रैब नहीं करना, नहीं, आपको अपने हैंड्स को ऐसे तेज़ी से लेके आना है कान के पास से। अब देखना ऐसे आपके हाथ रहेंगे एंड यहाँ से आपको लेके आना है, तेज़ी से लेके आना है और ऐसे ग्रैब करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको ऐसे नहीं लेके आना। इस चीज़ की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें तेज़ी से। एंड अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप है ग्रैब ऑन दी बार। कुछ इस तरह से आपको बार को ग्रैब करना है एंड मैं अगेन करके दिखा देता हूँ।
ऐसे आपको ग्रैब करना है बार को, एंड जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। पहला स्टेप स्किन द कैट, सेकंड स्विंग, एंड थर्ड आपको किक करनी है हवा में तेज़ी से, एंड हैंड्स की पोजीशन आपकी सही रहनी चाहिए, ऐसे कान के पास से आने चाहिए, एंड फोर्थ स्टेप ग्रैब द बार। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट कर दो जो जो भी आपको अच्छा लगा, एंड लाइक कर दो प्लीज़।